आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, एक सिरे पर छत से स्थिर एक तार को दूसरे सिरे पर एफ बल द्वारा धीरे धीरे खींचा जा रहा है। यदि तार की लंबाई में परिवर्तन एल है तो बल एफ द्वारा किया गया कार्य है। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास में एक तार है जो हम इस चित्र में बनाकर दिखा सकते हैं कि तार को हमने इस प्रकार से छत से लटकाया हुआ है एक सिरे से और इसके ऊपर बल लगा है, यह नीचे की तरफ F। बल लगने के कारण यह जो तार है इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, जिसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं बनाकर। अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो तार है वो कुछ लंबा हो गया है और इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो प्रश्न में छोटे एल से प्रदर्शित है। और मान लेते हैं इसकी तार की लंबाई जो है यह बड़े एल से इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई का मान होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल को हम प्रदर्शित करते हैं एफ बटा ए से और विकृति यहाँ पर एल बटा एल से प्रदर्शित होगी। तब इसका मान निकल कर आता है एफ एल बटा ए एल के बराबर। अब यहाँ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं एफ का। एफ का मान यहाँ से निकल कर आता है, इसका मान होगा वाई ए एल बटा एल के बराबर। अब हमें यहाँ से कार्य बताना है कि इसको खींचने में किया गया कार्य कितना होगा। तो आवश्यक बल इसमें हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो किया गया कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र होता है डब्लू डी बराबर एफ इंटू डी एल, लंबाई में होने वाली वृद्धि। तो W का मान होगा, हम यहाँ से W का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है जीरो से L तक। और F का मान हम यहाँ से रख देते हैं, वाई ए एल बटा एल के बराबर है और यह है डी एल के बराबर होगा। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है यह है सीमाएं जीरो से L, और हम Y को बाहर ले लेते हैं, A को भी बाहर ले लेते हैं और यह L भी बाहर आ जाता है। तो हमारा L DL बचेगा। इसका समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है YA बटा L और यह होगा L की घात 2 बटा 2 और सीमाएं इसकी 0 से L तक है। हम ज्ञात कर सकते हैं कार्य का मान बराबर होगा YA L गुणा L की घात 2 बटा 2 के। तो हम यहां से यह देख सकते हैं कि y का जो हमारा मान था इस समीकरण में वह था y a l बटा l के बराबर। तो हम यहाँ से y a l बटा l को f के बराबर लिख देंगे और बचेगा l बटा 2। तो किया गया कार्य का मान f l बटा 2 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर चौथे ऑप्शन से प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।